बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर इंसान अपने अंदर मौजूद ताकत को पहचान जाए तो जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है। द सीक्रेट सीरीज में से रोंडा बायरन की बुक दी पावर का आज आप पहला चैप्टर सुनने जा रहे हैं। इसका तर्जमा किया है मोहतरमा तैयबा अरशद साहिबा ने। दोस्तों मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाजार, किताबों की दुनिया। अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंचती रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा पैगाम, अगर कोई भी दोस्त ऑनलाइन किताबें खरीदना चाहता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर किताब का नाम, अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखकर हमें व्हाट्सएप करें, आपकी ऑर्डर करदा किताब आपको कैश ऑन डिलीवरी मुहैया कर दी जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आपका मकसद एक उम्दा जिंदगी हासिल करना है। 9 सितंबर 2004 वो दिन है जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब मैं पैदा हुई तो मेरी सुबह बाकी दिनों की तरह ही मालूम हुई, मगर ये मेरी जिंदगी का सबसे अजीम दिन बन गया। बहुत से बाकी लोगों की तरह मैंने जिद्दोजहद की और जिंदगी गुजारने के लिए सख्त मेहनत की, मुश्किलात और रुकावटों का इतनी हिम्मत से सामना किया जितना कि मैं कर सकती थी, मगर 2004 मेरे लिए खसूसी तौर पर मुश्किल साल था। 9 सितंबर को मुश्किल हालात ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरे ताल्लुकात, सेहत, रोजगार और माली हालत ऐसी हो गई जैसे कभी दुरुस्त ना होगी। मैं इतनी ज्यादा मुश्किलात में घिरे हुए कोई रास्ता नहीं देख सकती थी, मगर फिर ऐसा हुआ। मेरी बेटी ने मेरे हाथों में 100 साल पुरानी किताब थमाई। 90 मिनट तक मैं किताब पढ़ती रही, मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। मैं समझ गई कि ये सब कुछ मेरी जिंदगी में किस तरह पेश आया और मैं फौरी तौर पर ये जान गई कि इन तमाम हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने एक राज दरियाफ्त कर लिया था, एक ऐसा राज जो कई सदियों से गुजरा मगर पूरी तारीख में बहुत ही कम लोग उसे जानते थे। इसी लम्हे से जो दुनिया मैंने देखी वो पहले जैसी ना थी। हर वो चीज जिस पर मेरा यकीन था कि जिंदगी किस तरह चलती है वो हकीकत के बरक्स था। मैंने कई साल इस यकीन के साथ गुजारे कि जिंदगी में सब कुछ खुद ब खुद ही हमारे साथ होता है, मगर अब मैं वो हैरान कुन सच्चाई देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि ज्यादातर लोग ये राज नहीं जानते और इसीलिए मैंने इस दुनिया को बताने का फैसला किया। हर काबले फहम मुश्किल के लिए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई और ये 2006 में रिलीज हुई। फिर इसी साल मैंने द सीक्रेट किताब लिखी जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस राज को ज्यादा से ज्यादा बांट सकूं जो मैंने दरियाफ्त किया था। जब द सीक्रेट रिलीज हुई तो उसने रोशनी की इसी तेज रफ्तार से सफर किया और पूरी दुनिया में एक शख्स से दूसरे शख्स तक गुजरती चली गई। आज दुनिया के हर मुल्क में करोड़ों लोगों ने इस इल्म के साथ हैरान कुन अंदाज में अपनी जिंदगियां तब्दील कर ली हैं। जैसे जैसे लोगों ने सीखा कि द सीक्रेट के साथ अपनी जिंदगी को कैसे बदला जाए, उन्होंने मुझे हजारों हैरान कुन कहानियां बताई और मुझे मजीद ये देखने का मौका मिला कि आखिर क्यों लोग अपनी जिंदगी में इस तरह की मुश्किलात का सामना करते हैं। और इसी शौर के साथ मुझे दी पावर का इल्म हासिल हुआ, ऐसा इल्म जो जिंदगियों को फौरी तौर पर बदल सकता है। दी सीक्रेट ने कशिश का कानून अफशा किया, एक ऐसा ताकतवर कानून जो हमारी जिंदगियों की रहनुमाई करता है। दी पावर में हर उस चीज का जौहर मौजूद है जो मैंने उस वक्त सीखी जब 2006 में द सीक्रेट नशर हुई। दी पावर में आप वो सब कुछ समझ जाएंगे जो आपके ताल्लुकात, सेहत, दौलत, खुशी, रोजगार और आपकी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए दी पावर को पढ़ने के लिए कामयाबी का राज को पढ़ना भी जरूरी है। हर वो चीज जिसे आपको जानने की जरूरत है वो दी पावर में मौजूद है, और अगर आप कामयाबी का राज भी पढ़ चुके हैं तो ये किताब आपके इल्म में हैरत अंगेज इजाफा करेगी जो आप पहले से जानते हैं। इसमें आपके जानने के लिए बहुत कुछ है, इसमें आपके लिए अपनी जात और अपनी जिंदगी के मुतल्लक समझने के लिए बहुत कुछ है और ये सब बहुत उम्दा है, बल्कि ये उम्दा तरीन है, ये हैरत अंगेज है। आपका मकसद एक उम्दा जिंदगी हासिल करना है। आपका मकसद हर वो चीज हासिल करना है जिससे आप मोहब्बत करते हैं और जिसकी ख्वाहिश रखते हैं। आपके काम को दिलचस्प होना चाहिए और आपका मकसद इन तमाम कामों की तकमील करना है जो आप मुकम्मल करना चाहते हैं। आपके खानदान और दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात को पुरमसरत होना चाहिए। आपका मकसद एक भरपूर और अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए दौलत हासिल करना है। आपका मकसद अपने तमाम ख्वाबों को पाना है। अगर आप सफर करना चाहते हैं तो आपका मकसद सफर करना है। अगर आप एक कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपका मकसद एक कारोबार शुरू करना है। अगर आप रक्स सीखना चाहते हैं या आप बादबानी कश्ती चलाना सीखना चाहते हैं या तालवी जबान सीखना चाहते हैं तो आपका मकसद यही अमूर सरंजाम देना है। अगर आप एक मौसीकार, साइंसदान, किसी कारोबार के मालिक, मुअज्जिद, अदाकार या एक वालिद बनना चाहते हैं या जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं तो ये आपका मकसद है। जब आप सुबह बेदार होते हैं तो आपको जोशो खरोश से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दिन अजीम कामों से भरपूर है। आपका मकसद कहकों और मुसर्रत से भरपूर होना चाहिए। आपका मकसद
مضبوط اور محفوظ ہونا ہے۔ آپ کا مقصد اپنی ذات کے متعلق بہترین محسوس کرنا ہے اور اپنی اہمیت جاننا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی اور آپ کا مقصد انہیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کی ترقی میں مدد کرتی ہیں، مگر آپ کا مقصد یہ جاننا ہے کہ ان مشکلات اور پریشانیوں پر کس طرح قابو پایا جائے۔ آپ کا مقصد فاتح بننا ہے، آپ کا مقصد خوش رہنا ہے، آپ کا مقصد ایک اچھی زندگی حاصل کرنا ہے۔ آپ لڑائی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ ایک ایسی زندگی گزارنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے جہاں خوشی کے چند ہی لمحات ہیں اور بہت ہی کم رونما ہوتے ہیں۔ آپ ہفتے کے آخر پر خوشی کے عارضی لمحات کے ساتھ ہفتے کے 5 دن محنت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ ہر دن کے آخر پر محدود قوت کے ساتھ تھکن سے چور محسوس کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ پریشان ہونے یا ڈرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ اذیتیں جھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا مقصد ایک بھرپور زندگی گزارنا ہے اور ہر وہ چیز حاصل کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں، اور عین اسی وقت خوشی، صحت، زندہ دلی، جوش و خروش اور محبت سے بھرپور ہونا بھی ہے، کیونکہ یہی ایک بھرپور زندگی ہے۔ اب خوابوں کا جہاں، ہر وہ چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل کریں۔ وہ آپ کے اتنے قریب ہے کہ آپ جانتے ہی نہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی طاقت آپ کے اندر موجود ہے۔ معروف مصنف پرنٹس منفورڈ کا کہنا ہے، ایک بہت ہی عظیم اور غالب قوت ہے جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور لامحدود کائنات پر حکمرانی کرتی ہے۔ آپ اس طاقت کا ایک حصہ ہیں۔ اس کتاب میں آپ کو ایک اچھی زندگی کی طرف بڑھنے کا راستہ دکھانا چاہتی ہوں۔ آپ اپنی ذات، اپنی زندگی اور اس کائنات سے متعلق ایک حیرت انگیز دریافت کریں گے۔ زندگی اس قدر آسان ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جیسے جیسے آپ یہ سمجھتے جائیں گے کہ زندگی کس طرح چلتی ہے اور اس طاقت کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ بھرپور انداز میں زندگی کے سحر کا تجربہ کریں گے اور پھر آپ ایک اچھی زندگی حاصل کر لیں گے۔ اب آپ کی زندگی کی جادوگری شروع ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ کہ زندگی کس طرح چلتی ہے اور اس طاقت کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، تو آپ بھرپور انداز میں زندگی کے سحر کا تجربہ کریں گے اور پھر آپ ایک اچھی زندگی حاصل کر لیں گے۔ اب آپ کی زندگی کی جادوگری شروع ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں، ویڈیو لائک کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پھر دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔